वो लिकटती हुई आ रही है एक चुड़ैल जो गले में और पैरों में बैठती थी। गले में और पैरों में किसको दिक्कत होती थी? इसको। गुरुजी एक घर और दिख रहा है, घर में एंट्री लेते के साथ ही इधर की साइड में एक बैठक बना रखी है, उल्टे यहाँ पे बैठक सी बन रखी है, बैठक से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जीना जा रखा है, पीछे की साइड में दो कमरे बना रखे, लंबाई का मकान है, लंबाई का अंदर घुसते के साथ ही बैठक है, फिर जीना जा रखा है, फिर दो कमरे दिखते हैं, ऊपर जाके छत खाली है, पीछे की साइड में एक कमरे की रसोई बना रखी है, लंबाई का घर है ये, घर किसका है? अंदर घुसते है, घर में घुसते के साथ इधर बैठक है, फिर जीना सा है, फिर दो कमरे है, ऊपर जाते हैं कमरा दिखता है, रसोई सी दिखती है, घर किसका है? लंबाई का मकान है आपका। घर में एक बुजुर्ग पितर दिखने लग रहा है, उसके साथ में मशान का प्रेत था जो इनके काम धंधे में दिक्कत रखता था, उसके साथ साथ में स्वास्थ्य में दिक्कत रखता था, किसको एक साइड में पेट में दिक्कत रहती थी, पथरिया इन्फेक्शन बना रखा था वो रखता है। अभी ध्यान से सुनना, आपके घर से क्या कुछ आया है? इनके घर से एक मशान का प्रेत आया है, पर पितर जोड़े में लेके आया जो इनके एक साइड में पेट में दर्द रखता है। डॉक्टरों ने क्या बताया? क्या बताया है डॉक्टरों ने? इन्फेक्शन या कुछ बताया? रसोली बताया ड्रग। रसोली में इन्फेक्शन हो गया। भाई बताने वाले के लिए भी तालियां हो जाए एक बार। भाई एक घर और दिख रहा है, घर में एंट्री लेते हैं तो बड़ा घर है, थोड़ा आगे से खुला है, पीछे की साइड में दो कमरे सामने बना रखे, एक कमरा साइड में बना रखा है, हल्की सी रसोई इधर है, लेटरिन बाथरूम थोड़े बाहर की साइड बना रखे हैं, कोई पेड़ पौधा उसके घर में लगा हुआ था पुराना जो कटवा दिया है, मतलब ये भी है। अंदर एंट्री लेते हैं, बड़ा गेट है, दो पल्ले का गेट है, खुला मकान है, पीछे की साइड में दो कमरे हैं, एक उल्टे हाथ पे कमरा बना रखा है, इधर की साइड में रसोई सी है, पुराना घर है किसी का, वो किसका घर है? पुराना घर है उनका भाई, पुराना घर है, पीछे दो कमरे बना रखे, इधर एक कमरा सा दिखता है, खुला है दो आगे खुला है, दो खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। घर में से कुछ कोई लेडीज गुजरती थी पुरानी, जो दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट रखती थी, पेट में दिक्कत और पैरों में समस्या बनाती थी किसी लेडीज के, वो चीजें निकटती हुई आ रही है, कल लेडीज घर में गुजर रखती है। कल से चल रही है कि नहीं है? अरे कहाँ गए? हाँ भाई, कल से चल रही है कि नहीं चल रही है? घर से अपने पैरों से चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। गाँव की साइड का कोई घर दिखने लग रहा है, हल्का सा जो रोड है वो ऊंचाई का है, हल्का सा रोड ऊंचाई का जाता है, उसी घर में ना जॉइंट घर दिखता है, जैसे घर है उसके पीछे एक और घर दिखता है, गैलरी से जा रखी है, वो गैलरी से जाके पीछे एक घर और बना हुआ है, उस गैलरी के घर की साइड में दो कमरे बना रखे हैं, ठीक है, पलस्तर सा हो रखा है, सफेदी वगैरह नहीं है, उसमें कोई लेडीज रहती है, ये घर किसका है? मतलब कि जॉइंट घर है, अलग सा दिख रहा है गुरु जी, ऊंचा सा मकान है, हल्की सी रोड ऊपर जाती है, अंदर जाते हैं, गैलरी बनी हुई है, गैलरी के इधर की साइड में दो कमरे बन रखे हैं, फिर वो गैलरी खत्म होते है तो दूसरा मकान लगता है, ये घर किसका है?
गांव की साइड का मकान है और पैरों में और कमर में दिक्कत दे रहा है जो पुराना चलता हुआ आ रहा है। ये किसको होता है आंखों में कमर में पैर में दिक्कत? इसको मेरे को ही होती है। गुरुजी किसी की दुकान आ रही है पर मंदिर के पास दुकान है, कोई मंदिर है, मंदिर से चौक से थोड़ा सा आगे चलते हैं, चौक से सीधा चलते हैं तो इधर की साइड में एक दुकान आती है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान नहीं है, किसकी दुकान है? अपनी दुकान है। जैसे काम धंधा किसका बंद करवा रखा है, किसी की दुकान ठप करवा रखे, पर मंदिर के पास है। ये किसकी दुकान है जो मंदिर के पास है? मंदिर के पास मंदिर है उसके आस। ये दुकान आ रही है किसकी है? तुम्हारी दुकान है। मंदिर के पास दुकान है, ऊंचा मंदिर है, छोटा मंदिर है, ऐसे मंदिर पड़ता है आगे जाके, इधर की साइड दुकान है तुम्हारी है। बंदित लगवा रहे थे, काम बंधन लगवा रहे, काम काज में दिक्कत आ रही है, बंधन है भाई, वहां से बंधन खुल के आ रहे हैं। बंधन खुल के दुकान क्या? देवी के बंधन थे गुरु जी। भाई एक घर और दिख रहा है, बड़े ध्यान से देखना, अंदर एंट्री लेते हैं हल्का सा, जो गेट है वो बीच में लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से जगह छोड़ के बीच में लगा हुआ है, इधर से एंट्री लेते हैं, इस उल्टे हाथ से जीना जा रहा था बिल्कुल सीधा, अंदर घुसते कमरा सा बना हुआ है, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, ऊपर है दो मंजिल का मकान है, नीचे दो कमरे से बना रखे, ऊपर रसोई और दो कमरे दिखते ऊपर भी, ये दो मंजिल का मकान है, किसका मकान है? अंदर एंट्री लेते के साथ ही उल्टे हाथ से जीना जा रखा सीधा, पीछे एक सामने कमरा बना रखा है, उल्टे हाथ सीधे हाथ पे कमरा बना रखे, ऊपर आमने सामने कमरे बना के बीच में रसोई बना रखी है, ये घर किसका है? घर में एंट्री लेते थोड़ा बीच में से हल्का उल्टे हाथ से सीधा जीना जा रखा है, नीचे की साइड पीछे कमर बना रखा है, इधर कमरा है, ऊपर भी कमरे बना रखे, रसोई भी है, बीच में रसोई है। गुरु जी देवी की कृपा है, पर घर में से प्रेत है जो निकटता हुआ आ रहा है, किसको पेट में दिक्कत रखता है? बच्चे हैं आपके में पेट में दिक्कत रहती है, पर आप वही चीज बैठी हुई है। तेरा गोला कहाँ है? तेरे हाथ में नहीं लेगी? अभी मंगवाया है। बैठ जा आराम से। नहीं यहाँ नहीं, उधर मुंह करो और वहां पे बैठते जाओ जी, थोड़ी सी घर दिखने लग रहा है, पुराना घर है, पुराना ये बना नहीं है, उसमें अंदर एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा खुला सा है, उल्टे हाथ पे खुला है, पीछे की साइड में कमरे बना रखे हैं, एक दो तीन इकट्ठे कमरे बना रखे हैं, एक दो तीन, और इधर की साइड में कुछ सामान सा पड़ा है, ये घर किसका है? पुराने टाइम का मकान है, सामने कमरे बना रखे हैं, एक दो तीन सामने कमरे बना रखे, इधर की साइड में सामान पड़ा हुआ है, अंदर एंट्री लेते हैं तो इधर की साइड में खाली है, घास से उग रखे पीछे कमरे हैं, इधर की साइड सामान पड़ा है, ये गांव की साइड का मकान है। एंट्री लेते हैं थोड़ा सा, जैसे खुला सा है, इधर की साइड में खुला है, सामने की तरफ में कमरे से बना रखे हैं, इधर की साइड में थोड़ा सामान सा घेर रखा है, ये घर किसका है? पुराना घर है तुम्हारा है? फिर बता दूं, घर में एंट्री लेते हैं थोड़ा सा खुला सा, इधर की साइड में थोड़ी सी जो कच्चा सा पड़ा है, पीछे कमरे बना रखे हैं, तीन कमरे हैं, इधर की साइड में थोड़ा सामान सा घेर रखा है, इस घर में से कोई लंबा सा बुजुर्ग सा आदमी है गुरु जो निकटता हुआ आ रहा है, जो घर में दिक्कत देता था तुम्हारा ही ना, बैठ जाए आराम से।
बैठ जा आज तेरा पसीना काट के। प्रक्रिया क्या चल रही है समझ रहे हो? मैं जब कर रहा हूँ, देवता आपके घर से चीजें निकाल रहे हैं, आपका भोग हाथ में है, देवता को पता है ये थोड़ी देर में मुझे ही आने वाला है, ठीक है, इसलिए देवता भाग भाग के आपका काम कर रहे हैं। हम देवता को दिखा रहे हैं कि आपका ये भोग है देखो, और देवता को लालच आ रहा है, लोभ आ रहा है, हमारा काम कर रहा है ना, कितना खुशी हो तुम, और भोग अभी दिखाया दिया ही नहीं है, दिखाई दिखा रहे हैं अभी, है ना, ऐसे देवता भी ललचा गए, चलो भोग ही ऐसा है तुम्हारे हाथ में। मनु भैया द्वारा तैयार किया गया निर्मित गोला है जिसमें सकल सामग्रियां निहित हैं, अंदर में भरी हुई हैं घी के साथ, देसी घी के साथ। चलिए आगे चलिए। अब उसको मना कर दिए, वो तीन चार गोले दे लेना, उसको मना कर दिए, अब किसी को नहीं देना है, बता दो, बैठ जाओ सब चुपचाप। भाई घर दिख रहा है, अच्छा मकान है, बनाया हुआ है बढ़िया, अंदर थोड़ा सा एंट्री लेते हैं तो थोड़ी स्लेब सी डली हुई है, बाहर से एंट्री लेते के साथ ही स्लेब डली हुई है, थोड़ा सा खुला है, इधर से एंट्री लेते दोबारा गेट है, एंट्री लेते इधर बैठक सी बना रखी है, पीछे दो कमरे बना के इधर रसोई सी बना रखी है, एक ही मंजिल में है, बड़ा घर है, गेट लगा हुआ है, स्लेब सी डली हुई है, पत्थर बिछा हुआ है, अंदर एंट्री लेते के साथ ही थोड़ा पत्थर बिछा हुआ है, फिर सामने की साइड से इधर की साइड गेट निकलता है, अंदर घुसते के साथ ही बैठक है, पीछे दो कमरे बना रखे हैं, उल्टे हाथ पे रसोई सी है बड़ी, एक ही मंजिल में बना रखा है नीचे की साइड में। ये घर किसका है? अच्छा मकान है बढ़िया, नीचे की साइड में इधर की साइड बैठक है, उधर पीछे दो कमरे बना रखे हैं, बैठक और कमरे जॉइंट ही है, यानी बैठक में से कमरे में जा सकते हैं, और इधर की साइड भाई अमीर होने का वो हो जाएगा, पता चल जाएगा ये आदमी अमीर है। एक रसोई है गुरुजी, अच्छा मकान है, घर है किसी का? तुम ही पहचानो तुम्हारे में से किसका घर है? अच्छा मकान है, उधर पत्थर लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, अंदर एंट्री लेते एक और गेट है, छोटा गेट है लकड़ी का, इधर से मुर्ते के साथ ही बैठक है, अंदर से जाते के साथ ही दो कमरे है, नहीं सारे लोहे के अंदर भी, सब लोहे का कर रखे, लोहे के व्यापारी हो क्या? नहीं लकड़ी जैसा रंग तो नहीं कर रखे, पेंट लाल कलर सा, मैरून कलर सा, लाल मैरून सा, दोबारा बता दे एक बार, दोबारा बता रहा हूँ कि घर में एंट्री लेते हैं, उल्टे हाथ से एंट्री है, स्लेब पड़ा हुआ है और उसके साथ में पत्थर लगा हुआ है सफेद रंग का, फिर अंदर जाके एक छोटा गेट हो रहा है, उसमें एंट्री लेते के साथ ही बैठक आती है, बैठक से थोड़ा सा आगे चलते दो कमरे हैं और इधर की साइड में एक रसोई है, एक मंजिल का मकान है। ये वाला मकान किसका? डबल स्टोरी है, नीचे का बता रहा हूँ कि नीचे का मकान ऐसे बना हुआ है, ये मकान है किसी का? अच्छा मकान है, बार बार हुई आपने ऊपर किराए थी? नहीं ऊपर का नहीं दिख रहा, नीचे का ही दिख रहा है, ऊपर। अच्छा हम ऊपर रहते हैं, मैंने बोला ऊपर मेरे को दिख नहीं रहा है। अच्छा। अभी मैं ऊपर गया ही नहीं, ऊपर बना हुआ है पर ऊपर मेरे को भी दिखाया नहीं है, नीचे का दिखाया है, नीचे जो आप बता रहे हैं नीचे है तो वैसे ही। हाँ नीचे का दिखाया है, नीचे रहती थी? नहीं हम नीचे रहते नहीं, हम तो ऊपर ही किराए से ही रहते हैं, ऊपर नीचे मकान बनाया हुआ गुरुजी, पर घर में चीजें खड़ी हुई दिखती है, घर में चीजें खड़ी हुई दिखती है बस, गेट पे से जैसे जीना जाता है ना, आवाज आती है वहाँ पे, जिन है वहाँ पे, जीने पे से चलती है तो ऊपर तक आवाज डालती है, फिर नीचे तक आवाज डालती है, वो जिन पूरे पूरे घर वही आ जाएगा, वो चीज कुछ कई उम्र दरवाजा ऐसा खटखटाता भी है, घूम रहा है गुरुजी वो निकल रहा है, लेकिन हम ऊपर रहते हैं, नीचे से दिखाया तुमने, उम्र चेक कर लो, ऊपर कुछ है नहीं ना, नीचे ही जीने, जीने पे ही खड़ा है, वहीं पे नीचे के साथ ही खड़ा है, जीने पे ही है, नीचे खटखटाता है, बस आगे मुंह करा, हो गया तेरा, Thank you.
एक घर और दिख रहा है, आगे से चार दीवारी हो रही है, सीधे हाथ पे खाली जमीन पड़ी है, खाली प्लॉट पड़ा है, चार दीवारी हो रखी है, अंदर एंट्री लेते इधर दो कमरे बन रखे हैं, एक दो, फिर इधर की साइड में सामने एक कमरा बना रखा है, ठीक है ना, जो बीच वाला कमरा उसमें खाने पीने की जगह सी कर रखी है, मतलब कि खाना वहीं बनता है, दूसरे वाले कमरे में जो बीच में, पीछे एक कमरा है, एक आगे है, एक बीच में बना रखा है, इधर थोड़ा खुला सा है, इधर सीधे हाथ पे खाली जगह पड़ी है, जैसे जमीन पड़ी है खाली सी, ये घर किसका है? अंदर एंट्री लेते हैं, चाहे तुम्हारा पुराना है चाहे तुम्हारा नया है, मेरा नहीं है। अंदर एंट्री लेते के साथ ही इधर दो कमरे बन रखे हैं, एक और दो, आगे थोड़ी सी चार दीवारी से हो रखी है, नीचे नीचे सी, इधर की साइड में दो कमरे बन रखे हैं, फिर इधर की साइड में सामने एक कमरा बन रखा है, जो बीच वाला इसमें कमरा है, इसमें खाने की जगह छोड़ रखी है कि खाना वाना बनता है इसमें, और उसके साथ में सीधे हाथ पे जमीन खाली पड़ी है, यानी आपके प्लॉट के अलग, ये घर किसका है? साथ में इधर की साइड में सारी खाली जमीन पड़ी है, और भाई वो बिल्कुल इधर की साइड में खाली जगह पड़ी है, अंदर एंट्री लेते के साथ ही चार दीवारी से होके इधर दो कमरे बना रखे, खाने की जगह है, पे पीछे एक कमरा है, ये आपका घर ही है गुरुजी। इस घर में गुरुजी एक महिला दिखती है, पर बुजुर्ग है, उसके साथ में कोई प्रेत चल रहा था, जो इनके कभी सर में दिक्कत रखता था और दोनों कंधों पर बाहर पड़ता था, वो खींच रहा है। आप बताओ ना, तो पंडोखर वाला बताए तेरे घर से ये चीज आ रही है, ना बागेश्वर वाला बताए कि मैंने ये कर दिया ये चीजें आ गई, कौन बता रहा है? मनु भैया शनिधाम बता रहा है, शनिधाम गुड़गांव बता रहा है। आपके घर में चीज क्या है, उससे आपको परेशानी क्या, और वो आ कैसे रही है चल के, ये बता रहे हैं। पहले मंत्र जाप कर रहे हैं, देवता भेज रखे हैं सबके घरों में, ठीक है, सबके घर से चीजें निकल के आ रही है, और वो बताया जा रहा है, कितनी ताकतवर बात है, एक साथ कितने लोगों का, 150 लोगों का बताया जा रहा है एक साथ, ठीक है। मैं जाप कर रहा हूँ, अगले एक घंटे में आपकी बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, आप बैठो, एक साथ ही आपका यज्ञ होगा, तब तक जाप करने दो मुझे, और वहां सुनते रहो किसके घर से क्या क्या आ रहा है और क्या आ गया। किसी का ना भी बताया जाए तो ये नहीं है कि उसके घर से नहीं आ रहा है, आ रहा है, हर हाल में आएगा। किसी की ताकतवर चीज होगी, चार बार में आएगी, छह बार में आएगी, आठ बार में आएगी, दस बार में आएगी, आएगी जरूर। गुरुजी एक घर दिख रहा है, अंदर एंट्री लेते हैं, हल्का सा बीच में से एंट्री है, एक इधर कमरा बन रखा है, एक इधर कमरा बन रखा है, जो इधर वाला कमरा बन रखा है इसके साथ में करो सोई सी बना रखी है, आमने सामने कमरे हैं, बीच में थोड़ी सी खुली सी जगह है, इधर लैट्रिन बाथरूम बाहर की साइड बना रखे, अंदर एंट्री लेते के साथ इधर फिर एक कमरा है, फिर इधर सामने की तरफ एक कमरा है, इधर की साइड एक रसोई सी बना रखी है, आमने सामने कमरे के गेट है, बीच में थोड़ी खुली जगह, ये घर किसका है? घर है, घर में आमने सामने कमरे बना रखे, पीछे की साइड इधर की साइड रसोई सी है, अंदर एंट्री लेते इधर की साइड में लैट्रिन बाथरूम जो बना देते वो बने हुए हैं, फिर सामने आमने सामने कमरे, यानी दोनों सामने गेट है उनके, आमने सामने खुलते हैं, ये घर किसका है बता तो दिया। आपके घर में एक औरत है, एक प्रेत था, मैंने बोला नीचे की साइड में आपका घर अलग है, ये घर अलग है। अंदर एंट्री लेते के साथ ही इधर की साइड लैट्रिन बाथरूम बन रखे हैं, सामने थोड़ा आगे चलते हैं, एक इधर की साइड कमरा बन रखा है, एक इधर की साइड कमरा बन रखा है, यानी दो कमरे हैं और दोनों कमरे आमने सामने खुलते हैं, यानी उस वो कमरा खोलोगे तो सामने वो दिखेगा, वो खोलोगे तो इधर वो दिखेगा, उसके जो इधर वाला कमरा है उसके साथ में रसोई बना रखे इधर की साइड में, ये घर किसका है? मतलब दो कमरे हैं, नीचे आमने सामने कमरे हैं, बीच में थोड़ी खुली जगह है, और कमरे के साथ में रसोई है। आ जाओ जी, खड़े हो जाओ, दो में से अभी बता देंगे किसका है, बताओ गुरुजी, खड़े हो जाओ जी, आप भी खड़े हो जाओ एक बार। चीज़ है और क्या परेशानी देती है? मैं रेंट पे रहती हूं। हाँ, रेंट जैसे ही बना हुआ है, अलग अलग है कमरे, लेकिन गुरुजी घर में ना महिला प्रेत दिखती है, जो मायके से चलती आ रही थी, जो हमेशा छाती में दिक्कत और सांस फुलाती थी और शरीर में कमजोरी डालती है, आपको में से दिक्कत रखकर रोने की इच्छा होती है, आपका ही है ना, इन्हीं का है, वो आपका नहीं है। भाई जैसे ये कुछ लड़कियां हैं उनकी शादी होगी, वो अपना जो माता पिता का घर था वो भी देख लिया करें, वो भी आ सकता है सामने, उनको अपने मायके से भी होती है। और कुछ नया घर बना लिया है, पुराना घर बेशक तोड़ दिया हो या किसी और घर में रहते हो पहले,
वो भी आ सकता है क्योंकि कि जिस टाइम की जिस समय हुई है उस समय का घर दिखा सकते हैं, जहाँ से चीज लगी है वो चीज दिख जाती अभी है। अभी तक तो सारे ही मिले हैं, कोई ऐसा नहीं था जो ना मिला हो। चलिए, दिक्कत भी सबकी सेम ही मिली है, जिसका घर था वही दिक्कत उसकी मिली है। मुझे दो घर दिखने लग रहे हैं, मतलब दोनों घर है ना, मतलब एक बड़े भाई का एक छोटे भाई का है। बड़े भाई का घर थोड़ा सा दिख रहा है तो ऊपर नीचे बना हुआ है, दो तीन मंजिल का जैसे की बना हुआ है, लेकिन उसके जो घर साइड में बना हुआ है वो है ना थोड़ा सा कम है। घर में एंट्री लेते के साथ ही है ना दो सामने की तरफ कमरे बन रखे हैं, सामने की तरफ दो कमरे हैं, अंदर एंट्री लेते के साथ ही हल्का सा आगे चल के जीना जा रखा है, जैसे बोलते ऐसे बीच में से ऐसे चढ़ रखा है, बीच में थोड़ी जगह खाली पड़ी है, उसमें सामान रखा है नीचे की साइड में, सीधे हाथ से जीना जा रखा है ऐसे करके, ऐसे नीचे सामान रखा, पीछे दो कमरे बन रखे हैं, जीना जाता ऊपर की साइड एक कमरा है। जो उसका भाई है अलग वाले घर में, वो दो तीन मंजिल का मकान है, बढ़िया मकान बना रखा है। ये घर किसका है, यानी दोनों जनों का घर है, ये घर किसका है, भाइयों का घर है, दो भाइयों का घर है, एक बड़े वाले भाई का घर थोड़ा बढ़िया बना रखा है, ऊपर नीचे बना रखा है। जो उसके साथ में घर है वो नीचे की साइड में दो कमरे हैं, नीचे की साइड में, और इधर क्या दिखा था पापा, क्या दिखा दिया, हाँ थोड़ा सा आगे चलते के साथ ही जीना जा रखा है, इधर से नीचे सामान रखा है, बीच में थोड़ी सी जिसे बोलते रसोई सी छोड़ रखी है, ऊपर पीछे दो कमरे, ये घर किसका है, बड़े ध्यान से देखना है, पीछे दो कमरे हैं, उसके साथ में रसोई है, फिर रसोई के थोड़ा सा आगे चलते जीना जा रखा है, जीने के साथ में सामान रखा है नीचे की साइड में, ऊपर भी बना रखा है मकान, उसके साथ में भाई का मकान भी है जो ऊपर बना रखा है, ऊपर नीचे। भाई का मकान कैसा है, बड़ा मकान है, ऊपर नीचे बना रखा है, मतलब तुम्हारे से अच्छा मकान है ना। घर में गुरु जी इनके घर में से अगर देख रहा हूँ तो पितर कोई मलिन अवस्था में बैठा है, जो बड़े भाई के घर में बैठा था वो खिंचता हुआ आ रहा है, इसके घर में भक्ति आ रही है, भक्ति यही करता होगा। कोई हॉस्टल स्कूल भी दिख रहा है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हॉस्टल सा दिख रहा है भाई, हॉस्टल या स्कूल है जहाँ पे तुम्हारा कोई बच्चा पढ़ता हो, पीजी वगैरह, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है। हाँ किसी का हो भी, हाँ खोल भी, पीजी खोल रखा हो किसी ने, ठीक है ना, बड़ा गेट है, गेट से एंट्री लेते के साथ इधर की साइड सारा खुला है, थोड़ा सा आगे चलते इधर की साइड में बिल्डिंग बना रखी है, अंदर एंट्री लेते के साथ ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जीना जा रहेगा, ऊपर की साइड में कमरे ऐसे लंबाई के, नीचे की साइड में कमरे लंबाई के, यहाँ पे किसका बच्चा पढ़ता हो या कोई गया हो, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई दिख रही है गुरु जी वहाँ से। क्या खोल रखा है, कोचिंग है, वही देख रहा हूँ कि ध्यान से देखना जो बताऊंगा, ऐसे जाते हैं इधर की साइड में पढ़ता है, ठीक है ना, गेट लगा थोड़ा खुला सा है, हल्का सा आगे चल के बिल्डिंग सी बना रखी है, अंदर एंट्री लेते के साथ इधर से जीना जा रखा, फिर कमरे से बना रखे है, ये आपका ही है क्या, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी क्रिया करवा रखी है, ताकतवर क्रिया है, काम धंधा और स्वास्थ्य दोनों चीज बंद करके जिन घर में गलत रूप में छोड़ रखा है और वहां भी जिन खड़ा रहता है, तुम्हारा ही है, बता दो गुरुजी को। किस चीज की कोचिंग थी, 11th साइंस कोचिंग है ना, हाँ क्योंकि पढ़ाई का ही दिख रहा था मेरे को वहाँ की पढ़ाई, हाँ तीन मंजिल ऊपर नीचे बन रही है। जय शनिदेव सभी को। दीपक भैया यहाँ तो अभी तो कोई दीपक भैया नहीं है भाई, और प्रिया जी आपकी अर्जी, बिल्कुल शनिदेव महाराज आपकी अर्जी सभी करें। एक और घर दिख रहा है कि नीचे की साइड में दुकान दिख रही है, दुकान के ऊपर की साइड में रहने की व्यवस्था कर रखी है, या ऊपर कोई काम खोल के ऊपर कोई भी बंदा रहता हो, नीचे कोई दुकान है, दुकान के इधर से एक जीना जा रहा है, जीना ऊपर जाता है, ऊपर की साइड में रहने की व्यवस्था कर रखी है, नीचे दुकान खोल रखी है, ये घर किसका है, ऊपर की साइड में रहने की व्यवस्था है, नीचे दुकान है,
जिसने नीचे, नीचे काम काज और ऊपर अपने आप रहता हो। दुकान किसको भी दे सकते हैं, ऊपर रहने की जगह है और नीचे दुकान है, घर में ये घर है किसी का। है नीचे दुकान है, जीना जा रखा है, ऊपर की साइड में रहने की व्यवस्था थी। हाँ वो घर किसका था? तुम्हारा था, क्योंकि उस घर में क्रिया दिखती है, पुरानी दिखती है, करवाया हुआ था, 22 साल पुरानी क्रिया चलती आ रही थी, जो दुकान भी बंद हो गई और काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। घर में तुम्हारे पितरों को बांध के चीजें छोड़ रखी, तो पितर एक खुल के आ रहा, पितर एक जो बांध रखा था वो खुल के आया है उस घर से। उस घर में कोई रहता है पर रहते हो, वहीं रहते हो ना, तो वहीं पे चीजें खड़ी दिख रही है भाई। गुरुजी काम धंधे में दिक्कत रखता था और इनके सर में भारीपन रखता था, बेचैनी बेचैनी रहती थी, एक ही बात को जिसे सोचते रहना और रात को नींद नहीं आती थी, वो उसी पितर के कारण थी, पर वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है। इसको रहती थी ये, आपको ही रहती थी, और शरीर में दर्द रखता था, सर में दिक्कत रखकर नींद नहीं आती थी, बेचैनी रखता था, ये पितर खुल के आया गुरु जी। हाँ जी, रुकने की व्यवस्था है शनिधाम में, जो लाइव में पूछ रहे हैं आप रुक सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे रुके हुए भी हैं। पूजा जी आपको तो शनिधाम आना ही पड़ेगा, अगर गले में रसोली है एक बार चेक जरूर करा ले। मुकेश रावल जी साधना करने के लिए आप कभी भी आ सकते हो। एक 2-3 मंजिल का मकान है, छोटा मकान है, नीचे की साइड में कमरा रसोई दिख रही है, पतला सा है, ज्यादा बड़ा मकान नहीं है, बहुत छोटा मकान है, जीना सा जा रखा, पीछे कमरा रसोई बना रखी, ऊपर की साइड में होल डाल रखा है, एक कमरा डाल रखा है, 2-3 मंजिल का मकान है, बड़ा मकान नहीं है, छोटा मकान है, ये घर किसका है? छोटा मकान, बड़ा मकान नहीं है, बहुत छोटा मकान है, नीचे एक कमरा बना रखा है, रसोई है, उसके साथ में जीना जा रखा है, जीने पे से जाके ऊपर की साइड एक होल सा बना रखा है, उसके बाहर की साइड लेटरिन बाथरूम बना रखे है छज्जे पे, ये घर किसका है? किसका घर है? तुम्हारा घर है, ज्यादा बड़ा मकान नहीं है, कितने गज का है ये? 25-30 गज का है, इससे ज्यादा मकान 30 गज का ही है। आपका कितने गज का है? नहीं अलग नहीं है, बना हुआ है, 25-30 गज का मकान है, नीचे कमरा बना रखा, रसोई सी है, अंदर घुसते जीना जा रखा, लेटरिन बाथरूम से बना के बीच में होल सा डाल रखा है, ये घर दिख रहा है। पुरानी क्रिया थी, देवी का भोग देके चीजें बैठी थी, कलेजे में जोर पड़ता था, एक आदमी पर एक खिस्ता हुआ आ रहा है, जो माता जी के पेट में कलेजे में जोर डालता था। हाँ ऐसे ही है माता जी, यहाँ पे दबाव मारता था, यहाँ दबाव मारता था। जय बाबे दी जी, जय बाबे दी। बैसी बंदी हुई है घर में ना, उसके साथ में प्लॉट भी खाली पड़ा, उसके सामने भी जगह खाली पड़ी है, ऐसे रोड पे ऐसे जाते हैं तो उसका घर थोड़ा सा अंदर चल के है, थोड़ी जगह खाली छोड़ रखी है, इधर की साइड में गाय भैंस बंधी हुई है, पीछे की साइड में मकान बना रखा है, इधर की साइड में 2 कमरे है, पीछे 2 कमरे, यानी 4 कमरे है घर में, पीछे 2 कमरे है, 2 साइड में कमरे, बीच में थोड़ा खुला सा है, गाय भैंस बाहर की साइड बंधी हुई है, इधर भी बनती है, गाँव का मकान है, ये किसका मकान है? गाँव का मकान है, पीछे 2 कमरे है, 2 कमरे साइड में है,
आगे गाय भैंस बंद रखी है बाहर की साइड, यानी घर से बाहर, और साइड में भी बनती है उसकी। ये घर किसका है? किस किस के घर गाय भैंस है? ये आपका घर है। गाय भैंस बंधी हुई है, नीचे की साइड में चार कमरे हैं, दो पीछे की साइड में कमरे, दो साइड में कमरे हैं। घर से बाहर की साइड में गाय भैंस की जगह ऐसी मतलब की बना रखी है। गाय भैंस बनती है कई है गुरुजी, एक दो नहीं है, मतलब की जैसे चार पांच छह होती है, कई सारी है। ये दिख रही है चार पांच, पहले दिख रही थी चार पांच थी, बाहर की साइड बनती थी। इस घर में से गुरुजी घर में कोई तंत्र की क्रिया करवा रखी थी, पितर बंधवा के गढ़ंत करवा के चीजें बिठा रखी थी, कम से कम 40 साल पुरानी कई बार क्रिया हुई, उसमें से गुरुजी कोई तंत्र की चीजें खुलती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण भाषा के नीचे नहीं गिर रही। अभी ऑनलाइन वालों को तो अभी चेक नहीं कर रहे भाई। एक बड़ा सा मकान दिख रहा है, पर उस मकान में सिर्फ एक ही कमरा है, वो भी पीछे की साइड में सीधे हाथ पे कोने पे बना रखा है। बड़ा घर है, चार दीवारी हो रखी है, गेट लगा हुआ है, पीछे की साइड में सीधे हाथ पे कोने पे कमरा बना रखा है, सामने की तरफ थोड़ी लकड़ी सी पड़ी है कम घर के, जैसे कोई किराए पे रहता हो या किसने बना के छोड़ रखा हो जो रहता हो, लकड़ी सी पड़ी है सामने की तरफ कोने पे मकान कमरा है। इधर की साइड में रसोई सी बना रखी है, यानी एक फैमिली के लिए घर बना रखा है। चार दीवारी हो रखी है, बड़ा मकान है, किसका है? साइड में रसोई बना रखी है, खाने पीने की जगह के लिए जगह छोड़ रखी है, ये घर किसका है? दो मंजिल का मकान है, सीधे हाथ से एंट्री है घर में, एंट्री लेते के साथ इधर कमरा बना रखा है, सामने दो कमरे और हैं, सामने की सिर्फ दो कमरे और हैं, एक इधर की साइड में कमरा है, उसके बीच में थोड़ी खुली जगह छोड़ रखी है। सीधे हाथ से जैसे एंट्री लेते हैं तो सामने से ऐसे करके बाहर की साइड में जीना आ रखा है, ऊपर नीचे मकान बना हुआ है, ये घर किसका है? घर में एंट्री लेते हैं, सीधे हाथ से एंट्री है, इधर की साइड एक कमरा बना रखा है, पीछे दो कमरे हो रहे हैं, यानी नीचे तीन कमरे हैं, सामने की तरफ से हल्का सा ऐसे जाके जीना जा रखा है, ऊपर भी मकान बना हुआ है, ये घर किसका है? बना रखा है पीछे दो कमरे, इधर की साइड में थोड़ी खुली जगह है, सामने एंट्री लेते के साथ ऐसे करके जीना जा रखा है, हाँ ये घर किसका है? घेर दिखाया फिर घर वो खड़ी पीछे, क्योंकि वहाँ पे कोई तंत्र की क्रिया तो नहीं, यहाँ पे तुम्हारा पितर भी खड़ा था, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें अलग अलग। एक पितर यहाँ खड़ा रहता था, वो भी पितर है। आ जा 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 एक घर दिख रहा है, चाहे वो किराए का हो, किराए का ही दिख रहा है कि कोई किराए पर रहता हो। थोड़ा सा ऊंचा मकान है, ऊंचा मकान जाके इधर की साइड से एक दो कमरे बन रखे हैं नीचे की साइड में, पीछे की साइड से जीना जा रखा है, आगे जाके पीछे की साइड से इधर से जीना जा रखा है, नीचे की साइड में दो तीन कमरे बन रखे हैं, कोई किराए पर तो नहीं रहता ऊपर नीचे ऐसे घर में। थोड़ा ऊंचा घर है, ऊंचा घर है, थोड़ा सा चलते गैलरी सी है, इधर से गैलरी है, इधर की साइड में दो तीन कमरे से बना रखे हैं, फिर बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, ऊपर जाते कोने पे से जीना जा रखा है पीछे की साइड से, यानी आगे से भी गेट है उस घर में, पीछे से भी गेट है, दोनों आगे पीछे से दोनों साइड से गेट है, पीछे भी गेट है आगे भी गेट है, दो तीन कमरे से बना रखे, पीछे से जीना जा रखा है, ऊपर की साइड में कमरे बना के लैट्रिन बाथरूम भी दिखता है। ये घर किसका है जो किराए पे रहता हो? ये घर ऐसे घर पे तुम रहते हो? फिर देखना आगे पीछे गली दिखा रहा हूँ मैं, आगे पीछे गली है,
ठीक है, इधर से एंट्री लेते दो दो तीन कमरे से बन रखे हैं, दो कमरे से दिखते हैं, उधर पीछे जाते कोने पे जो गेट लगा हुआ है छोटे वाला, वहां से जीना जा रखा है, ऊपर भी बना हुआ है। हाँ ऊपर भी बना हुआ है, ये घर तुम्हारा है गुरुजी। नीचे गैलरी में कहा प्रेत घूमता हुआ नजर आ रहा था, वो लेके घर में जैसे एंट्री लेते हैं तो इधर की साइड एक कमरा बना रखा है, कमरे के साथ में इधर थोड़ी खुली सी जगह है, बैठक सी छोड़ रखी है, पीछे भी एक कमरा दिखता है यानी सामने की साइड में, इधर रसोई सी दिखती है और अंदर एंट्री लेते हैं जीना इधर से जा रखा है। ये घर किसका है, ऊपर भी बड़ा हुआ है घर, दो ढाई मंजिल का मकान है, दो ढाई मंजिल का मकान है, अंदर एंट्री लेते इधर एक कमरा है, फिर बैठक सी है, बीच में थोड़ा खुला सा छोड़ रखा, फिर कमरा है, इधर रसोई है, इधर से जीना जाता है। पर्ची का नंबर पूछ क्या बेटे, ये घर किसका है, घर है दो तीन मंजिल का मकान है, बढ़िया मकान बन रखा है, अंदर एंट्री लेते के साथ इधर एक कमरा है, फिर बीच में बैठक सी छोड़ रखी है, जिसे बोलते थोड़ी जगह सी छोड़ रखी है, पीछे एक कमरा है, इधर की साइड में एक रसोई बना रखी है, अंदर एंट्री लेते के साथ ही जीना जाता है जैसे सामने की तरफ से। ये घर किसका है, दो तीन मंजिल का मकान है, मतलब कैसे उठा के बता दिया ऐसे। राधा स्वामी के शरीर में देख रहा हूँ तो एक मेंटल प्रेत है, वैभव शर्मा, चल ठीक है गुरुजी, वैभव शर्मा के शरीर में अगर देख रहा हूँ तो एक मेंटल सा प्रेत बैठा है, जो उसके दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट रखता है, पागल जैसी कंडीशन रखता था, उसके साथ में तीन चीजें और थी लेकिन जिसमें से दो चीजें अभी इसकी खिंच रही है, देवदूत इसके सर में से चीजें निकालते हुए नजर आ रही है, इसके सर में सबसे ज्यादा भार पड़ रहा है इस टाइम। बता तो दिया जी उसने सब कुछ, अगर नहीं भी पता लगा हो तो वीडियो देख लेना, दिख जाएगा आपको। हरी चुन्नी वाली लेडीज के शरीर में अगर देख रहा हूँ तो एक महिला प्रेत दिखती है मेरे को, देवी के साथ में भोग देकर मायके से चीजें चल रही थी, पर इसके कलेजे में जोर पड़ रहा था, अभी भी ऊपर बैठी है क्योंकि आधी वो कट चुकी है, आधी खिंची हुई है, जो इसके पेट में से खिंचती हुई नजर आ रही है, इसकी आंखों में जलन हो रही है इस टाइम पे, हो रही है नहीं हो रही है, वो अपने में है ही नहीं, आंखों में से ही। जय शनिदेव नितेश कुमार जी भाई, जय शनिदेव। चंदन जी के घर से अगर देख रहा हूँ तो कोई बच्चा से खत्म हो रखा है पुराने टाइम पे, वो बच्चा चाहे इनका हो या चाहे इनकी सास का हो, वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है, जिनके पेट में बैठ के दिक्कत रखता है, गोला सा घूमता है पूरे पेट में, ऐसा लगता पूरे शरीर में घूम रहा है, पेट में कभी दर्द दर्द करेगा, कभी दर्द दर्द करेगा, वो बच्चा है छोटा तुम्हारे घर में से गुजर रखा है, वही परेशान कर रहा है जो इधर उधर घूमता है, वो लिकड़ने लग रहा है पर अभी थोड़ा लिकड़ा है। कौन गुजरा था बच्चा, हाँ पुराना बच्चा गुजर रखा है, दो तीन पीढ़ी पहले पुराना गुजर रखा है, वही इसके पेट में घूमता है इधर उधर, अभी भी घूम रहा है ना क्योंकि भी खींच रहा है। महाराज की चौथा नंबर 350 पर हवन समय के भंडार पर जाएंगे, घोड़े लेकर और जहाँ हवन कुंड है इसके